ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री ह जनजाति गौरव दिवस के मौका मा बिहार के जमुई जिला ले 6600 करोड़ रुपया ले ज्यादा के विकास परियोजना के अनावरण करें। मुख्यमंत्री ह बैगा सिरहा और गुनिया ला हर बछर 5000 रुपया दे के करें घोषणा। और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जयंती और कार्तिक पुन्नी आज देश भर में बड़ उछा संग मनाए जावत है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह कही ने कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के पहली प्राथमिकता जनजाति समुदाय बर पढ़ाई लिखाई इलाज और रोजगार के व्यवस्था रहे है और ए ह सरकार के योजना मन में घलो दिखते। ओमन कहिन कि सरकार ह आने आने कल्याणकारी योजना ले जनजाति समुदाय ल मुख्य धारा में लाए है। श्री मोदी ह कहिन है कि उकर सरकार ह सिकल सेल बीमारी ल खत्म करे बर ईमानदारी ले काम करत है। ओमन कहिन कि 700 ले ज्यादा एकलव्य स्कूल आदिवासी अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय खोले गए है। प्रधानमंत्री ह आज बिहार के जमुई जिला ले 6600 करोड़ रुपया ले ज्यादा के विकास परियोजना के अनावरण करे के बाद एक ठन सभा ला संबोधित करत हुए ए बात कहिन। श्री मोदी ह कहिन कि उकर सरकार जनजाति समुदाय के विरासत और संस्कृति ला संजो के रखे बर प्रतिबद्ध है। सरकार ह जनजाति समुदाय के पारंपरिक और लोक चिकित्सा ला बचाए है और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन संग मिल के इला सुव्यवस्थित घलो करत है। प्रधानमंत्री मोदी ह कहिन कि ओमन पीएम जनमन और धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान शुरू करे है। एमा जनजाति मनला सीधा फायदा मिले है। ये अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव मन में जरूरी काम पर 80,000 करोड़ रुपया खर्चा करे जाही। प्रधानमंत्री ह ये मौका में आदिवासी बहुल जिला में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरू करे के घोषणा करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के जमुई में रखे गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस समारोह में वर्चुअल रूप ले शामिल हो। प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री ह कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले आदिवासी समाज पर करे जावत काम के बड़े करें। ए मौका में मुख्यमंत्री ह घोषणा करें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्मान निधि में बस्तर और सरगुजा संभाग के बैगा सिरहा और गुनिया ला 5000 रुपया हर बछर दे जाही। आदिवासी बहुल गांव में अखरा में जौन सांस्कृतिक कार्यक्रम करे जाते ओला राज्य सरकार कोती ले विकसित करे जाही। मुख्यमंत्री ह ए घलो कहिन कि पूरा प्रदेश में कुछ कुछ जगह में आदिवासी समाज के वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधूर गहिरा गुरु रानी दुर्गावती और आने आने विभूति मन के मूर्ति लगाए जाही। ए मौका में मुख्यमंत्री ह आदिवासी समाज के अगुआ लोगन और चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेता मन ला सम्मानित घलो करीन। ए मौका में अंतरराज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश समेत आने आने राज्य के लोक नाचा दल को तिले आदिवासी संस्कृति के प्रस्तुति देगीस। कार्यक्रम में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह और विधायक मन जुड़े रहिन। उन्हें आदिवासी गौरव दिवस के मौका में प्रदेश के आने आने जिला मन में घलो कार्यक्रम हुईस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह काली छत्तीसगढ़ के नवा औद्योगिक विकास नीति के विमोचन करिन। राज्य सरकार ह केंद्र सरकार के विजन 2047 के परिकल्पना ला साकार करे और राज्य के औद्योगिक विकास ला नवा गति दे के उद्देश्य ले ए नवा औद्योगिक विकास नीति के घोषणा करिन है। ए नीति ह 5/1/2021 ले लागू घलो हो गए है। ए नीति के माध्यम ले राज्य के युवा मन बर कौशल युक्त रोजगार के संग अवैया 5 बछर में 5 लाख रोजगार दे के लक्ष्य रखे गए है। ए नीति में स्थानीय श्रमिक मन ला औपचारिक रोजगार में बदले बर प्रशिक्षण प्रोत्साहन के प्रावधान घलो करे गए है। 1000 ले ज्यादा रोजगार देवैया इकाई मन ला विशेष प्रोत्साहन दे के बात कहे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री ह कहिन कि नवा औद्योगिक नीति ह रोजगार परक हवे। ओमन कहिन कि राज्य सरकार ह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवा मनला स्वरोजगार दिवाए बर प्रतिबद्ध है। ए वर्ग के उद्यमी मनला मात्र 1 रुपया प्रति एकड़ के दर में औद्योगिक क्षेत्र मन में जमीन दे जाही और अगर कोनो उद्योग ह 1000 ले ज्यादा युवा मनला रोजगार दी तो ओला बी स्कोप पॉलिसी में और ज्यादा सुविधा मिली। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में शहरी आवासहीन मन बर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरैया चरण में हितग्राही सर्वे के काम आज ले शुरू हो गए हैं। नगरी प्रशासन विभाग के अनुसार केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कोती ले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पहली चरण में आवास हीन हितग्राही मनला आवास के सुविधा देवाएगी से। ऐसन हितग्राही जे मनला पहली चरण में आवास नहीं मिल पाए और अभी तक आवासहीन है ओ मनला दूसरैया चरण के सर्वे में चिन्हांकित करेगे है। संगे संग हितग्राही मनला आवास बर आवेदन के प्रक्रिया समझाई जाही और आवास देके कार्रवाई करे जाही। योजना ले EWS, LIG और MIG परिवार ला ओ मन के पहली आवास पक्का के सपना पूरा करे बर आर्थिक सहायता दे जाही। सिख मन के पहली गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जयंती आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में बड़ उछाह संग मनाए जावत है। गुरु नानक देव जी के जन्म नानक शाही कैलेंडर में कार्तिक महीना के पुन्नी के दिन हो रहीस। ए मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के आने आने जिला मन में नगर कीर्तन निकाले गेस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर के खालसा स्कूल में रखे गए प्रकाश पर्व कार्यक्रम में शामिल हो। ए मौका में मुख्यमंत्री है प्रदेशवासी और खासकर सिख समुदाय के लोगन मन ला बधाई और शुभकामना दिन। उन्हें आज कार्तिक पुन्नी घलो है। ए मौका में श्रद्धालु मन नदिया तरिया में नहा के भगवान भोलेनाथ के आराधना करते। आज के दिन राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के आने आने जगह में मेला घलो लगे है। रायपुर के खारून नदी के महादेव घाट में पुन्नी मेला लगे है। बहनिया ले ही श्रद्धालु मन यहाँ पहुंच के प्राचीन हटकेश्वरनाथ शिव मंदिर में पूजा पाठ करें। मुख्यमंत्री है घलो कार्तिक पुन्नी के मौका में महादेव घाट पहुंच के हटकेश्वर महादेव और काली मैया के दर्शन करें। ए मौका में ओमन कार्तिक स्नान बर आए श्रद्धालु मन ला कार्तिक पुन्नी के शुभकामना घलो दिन। और अब थोर कुन समाचार सार मा। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ला केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय कोती ले बनाए गए सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त करे गए है। प्रदेश में विलुप्त होवत वन्य जीव मनला बचाए बर आज नव रायपुर के अरण्य भवन में गिद्ध संरक्षण ऊपर कार्यशाला राखे गेस। कार्यशाला में आने आने राज्य में गिद्ध संरक्षण बर काम करत विशेषज्ञ और शोधार्थी मन अपन अनुभव साझा करें। बीजापुर जिला में सुरक्षा बल के जवान मन कोंडापल्ली गांव के तीर माओवादी मन कोती ले बनाए गए दूठन स्मारक ला ध्वस्त कर दिन। राजधानी रायपुर के सिलियारी स्वास्थ्य केंद्र ला राष्ट्रीय स्तर के मानक के सबले ज्यादा अंक यानी NQAS सर्टिफिकेट मिले है। छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति के आह्वान में प्रदेश के सब्बो आधार ऑपरेटर मन अपन 7 ठन मांग ला लेके अवैया 18 नवंबर ले 3 दिनी सांकेतिक हड़ताल में रहेनी। बस्तर ओलंपिक में उसूर में विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन करेगी। कोरबा जिला के अमझर गांव में भालू के हमला ले 1 जन ग्रामीण के मौत हो गए। और बलरामपुर जिला के दहेजवार गांव में बंद पड़े ईटा भट्टा के तीर 3 कंकाल मिले है। पुलिस हर मामला के जांच करत है। और आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री है जनजाति गौरव दिवस के मौका में बिहार के जमुई जिला ले 6,600 करोड़ रुपया ले ज्यादा के विकास परियोजना के अनावरण करें। मुख्यमंत्री है बैगा सिरहा और गुनिया ला हर बछर 5,000 रुपया दे के करें घोषणा। और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जयंती और कार्तिक पुन्नी आज देश भर में बड़ उछाह संग मनाए जावत है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।